सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। होप कि आप सब इस गंदे मौसम में बहुत ज़्यादा फिट होंगे। मैं तो बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ, मेरे गले की बैंड बच चुकी है। आपको शायद आवाज़ से पता लग रहा हो या ना पता लग रहा हो, मगर मुझे पता है मेरी गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और पता नहीं मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करूँगी, वॉइस ओवर कैसे करूँगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है, और मैं जब खांस रही हूँ मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। इस साइड यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, अंदर पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरे मुंह में समझ नहीं आ रहा। अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो गाइज आज हमारे घर पे पूजा है, मेरे दादाजी का श्राद्ध है, मेरी बुआ आ रही है और हम सारे फैमिली मिलकर, पंडित जी आ रहे हैं, उनको खाना खिलाएंगे। घर पे खाना बन चुका है, मैं तो नहा भी नहीं सकती, मेरा इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं नहाऊँगी, बाल धोऊँगी, सब कुछ, तो मेरे को ना फीवर ही हो जाना है। इस वजह से मैं आज नहा ही नहीं रही, तो ऐसे ही कपड़े चेंज कर लेती हूँ मुँह हाथ धो के। मैं सोच रही हूँ कि 2013 में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, और इतनी जल्दी टाइम बीत गया, 2024 आने वाला है। दस साल से ज़्यादा ही हो गया, फेब में हुआ था, तो अभी फेब में 11 साल हो जाएंगे। तो गाइज ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए तो कल की बात थी, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं लगता कुछ भी। जो इंसान घर से जाता है ना, उसकी कमी हमेशा रहती है, और उसकी कमी कभी भी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, वो एक वॉइड कोई फिल नहीं कर सकता है। तो अब रेडी होती हूँ मैं नहा धो के, रेडी भी क्या ही होना है, कोई बहुत पार्टी वार्टी तो है नहीं कुछ ऐसी। फिलहाल मैं ये खा रही हूँ क्योंकि अभी मैं जिम से आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और खाना अभी बना नहीं है, मेरा डाइट वाला खाना नहीं बना। वैसे पंडित जी के लिए तो खाना बन चुका है, तो अभी मैं सिर्फ ये खाकर ही काम चलाऊँगी। मम्मी क्या बना रही है आज? ठीक है, भगवान जी के लिए, मतलब अग्नि देवता को भोग लगाते हैं। सब्जी है, ये देखो कितना सारा है, आ जाओ खा लो जो जिसको खाना है। तो गाइस अभी डेजी को खाना देने लगी हूँ क्योंकि मुझे खुद भूख लग रही थी, फिर मैंने इसको देखा मेरी गुड गर्ल को भी भूख लगी होगी, तो पहले गुड गर्ल खाना खाना है, अंडा खाना है। तो आज मैंने इसको दिया था डीवॉर्मिंग की गोली, इस वजह से थोड़ी देर बाद मैंने खाना दिया, एक घंटे बाद उन्होंने बोला था खाना देना। और ये हर चीज़ खा रही थी उठा के, इसका रीज़न यही है कि इसको डीवॉर्मिंग की गोली नहीं दी थी काफ़ी टाइम से, इसके पेट में कीड़े हो रहे थे, शायद ठीक हो जाए इसकी हरकतें। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा था नहाऊंगी और गर्म पानी से नहाऊंगी, ठंडे से नहीं नहाऊंगी। तो ये ना पानी मेरा गर्म हो रहा है, रॉड मैंने लगा दी है, अब नहाएंगे गर्म से। तो ये हुए कहाँ भाग रहा है मेरे पास आते ही, शक्ल देखो इसकी कैसी हो रही है, पांडा जैसा हो रहा है बिल्कुल। गाइस मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ बहुत मशक्कतों के बाद, मैंने सोचा चल नहा ही लेते, मगर जब मैंने पानी गर्म डाला ना मुझे ऐसा लगा कि यार गर्मी सी लग रही है, गर्मी सी लग रही है। अभी मैंने हेयर ड्रायर करा तब भी मुझे लगा गर्मी सी लग रही है, तो शायद मैं बुखार में ना रहूँ, शायद मुझे बुखार ना हो। और अब चलते हैं यार, पंडित जी भी आ गए होंगे तो मैं आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ। और मेरी डेजी प्यारी सी मेरे पास ही रहती है हमेशा, ये देखो हमेशा जहाँ मैं रहूँगी ना वहीं ये आपको दिखेगी। तो गाइस अब चलते हैं, बालों में कैसे फंस गया। गाइस मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी ठंड सी क्यों लगने लगी, मैंने तुरंत कपड़े चेंज कर लिए, मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट और वेलवेट वाला पजामा पहन लिया है। दिखा कैसे रही हूँ, वेलवेट वाला पजामा, तो वेलवेट वाला पजामा इसलिए पहना था कि मुझे ठंड ना लगे। और इतनी तेज भूख लग रही है, जिम से मैं आई थी, डाइट कर रही हूँ मैं, मगर मम्मी ने बोला कि डाइट मत कर आज, प्रसाद खा ले। मैंने कहा खा रही है तो भर के खाए, तो मैं दिखाऊँ आपको क्या खा रही हूँ, ये देखो खीर भर के, सब्जी भर के, आलू की पूड़िया पकौड़े सब खा जाऊंगी आज मैं। तो अभी खाने जा रही हूँ और फोन लगा रही हूँ चार्जिंग पे, बाय बाय। तो ये चल रहा है सबका खाना पीना। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं अपना टेम्परेचर चेक करने लगी हूँ कि शायद से मुझे लग रहा है कि मेरे को बुखार है। और दूसरी बात ये, सब लोग मेरे शॉर्ट्स में बोलते हैं आपको कुछ ना कुछ होता रहता, तो देख लो यार आप स्क्रिप्टेड तो वीडियो बनाते नहीं है पहली बात, और ना हम ऐसा करते कि एडिटिंग बहुत ज़्यादा और फिर डायरेक्शन और ये वो भांग भे वो पता नहीं क्या क्या, तो ये तो करते नहीं है, नॉर्मल बनती है वीडियो और जैसी होती है रॉ वीडियो आती है। चेक करते हैं अब, फीवर तो नहीं है ज़्यादा मगर हरारत हो रही है। तो गाइस अभी मैं क्लास से घर आई हूँ और मेरे पास ब्राउनी आया है मिलने, मैंने हर कुत्ते का नाम ब्राउनी रख रखा है, और जो वाइट है उसका नाम वाइटी, और वो कैसे प्यार करवा रहा है।
कितना मजा आ रहा है कान खुजलवाने में उसको। सो गाइज अभी हम मंदिर गए थे और मंदिर से वापस आ चुके हैं। मंदिर में ना फ़ोन लेके नहीं गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो रखी थी, तो अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरे को खांसी आ रही है और मैं बोल भी नहीं पा रही खांसी के खांसते टाइम। तो इसके बाद मैं चली गई थी क्लास, बिल्कुल जस्ट अभी आ रही हूँ बैग वैग लेके। तो सोच रही हूँ कि मोमोज खाने कौन कौन जाएगा। मैं जाऊंगी नहीं, मैं घर में खाऊंगी। आप कह रहे हो वही खाएगा। मोमोस नहीं, काटी रोड। इस बेचारे ने तो खाना खा लिया, क्या ही खाएगा अभी। पानी पीना आया था, है पार्टी का नाम सुना नहीं, सारी थाली रख दी खाने की। ये देखो खाना पूरा छोड़ दिया पार्टी के नाम पे, जब जब तक खाएगा नहीं कोई। आंखों आ रहे हैं, देख लो मिर्ची लग रही है, मेरे को पानी पीना आया हूँ मैं। ओ गुन्नू, मैं तृप्ति और बेबोन निकल चुके हैं मोमोज पार्टी करने। अब मैं ढूंढ रही हूँ मोमोज कहाँ मिलेंगे, पता नहीं। 9 बजने वाले हैं, मुझे लगता दोनों की मोमोज वाला बैठा होगा, उसके इस टाइम सारे बिक चुके होंगे। बैठा होगा, अच्छा बोलो, चुप चुप बोलो। लेट्स सी, ऐसे देख रहा है ये। हाउ वाज इट? अच्छा है। ये देखो फ्री का, ये फ्री का मेहमान है बिन बुलाया। ये देखो इसने क्या किया है, ये मोमोज पर चिपका दिया है टिश्यू पेपर। अब इसको खा, मुंह खोल, मुंह खोल। मोमोज आर रेडी। यस, व्हाट यू आर हैविंग नाउ? कॉकटेल वेज मोमोज। कॉकटेल, लेट्स वी विल नाउ ट्राई इट। टेस्ट दिस, लेट्स ट्राई। हाउ वाज इट? इसमें ना अलग से कुरकुरे से टेस्ट का, पहले कुरकुरे हो रहा है। नाइन। क्या कह रहा चाहोगी? नाउ वी वुड गिव इट अ रेटिंग आउट ऑफ 10। आई वुड गिव इट अ 8.5 आउट ऑफ 10। अच्छा तो है, गुड क्वालिटी है। हाय, घूमने करने गए थे हम, तुम्हें नहीं लेके गए थे। गुस्सा है वो। हाँ बिल्कुल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम खा पी के सोने वाले। खा पी के क्या, मैं तो खा के आ चुकी हूँ और मैं और नहीं खाऊंगी। ये भी खाना खा के गया था और बाकी लोग खा लेंगे। सो गाइस बाय बाय, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।